अस्सलाम वालेकुम। डार एकेडमी के एक नई वीडियो के साथ मैं डॉक्टर आतिफ रज़ा। आज की वीडियो जिस टॉपिक पे है वो है हमारे पास लाइफ एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। और एक्वेटिक में हम जिस पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास एमकैट के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। हम डिस्कस कर रहे हैं लाइफ इन मरीन इकोसिस्टम। तो हम मरीन इकोसिस्टम को स्टार्ट करने से पहले अगर हम इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है डार एकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि जो मरीन इकोसिस्टम है वो 70% हमारे पास अर्थ सरफेस का कवर करता है। इसमें एवरेज सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है वो 3.5% है। सबसे ज़्यादा जो सॉल्ट पाया जाता है वो हमारे पास रेड सी में है और वो एप्रोक्स हमारे पास है 4.6%। सबसे कम जिसमें नोट किया गया है वो हमारे पास है बाल्टिक सी, उसमें एप्रोक्स जो परसेंटेज है वो है 1.2%। इसी तरह से अगर हम एवरेज टेम्परेचर की बात करते हैं तो एवरेज टेम्परेचर जो है सी के अंदर वो है 32 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे कम हमारे पास पोलर रीजन पे है, वो है अप्रॉक्स -2 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम डीप सी को देखते हैं तो डीप सी का रीजन हमारे पास न्यूट्रिएंट रिच होता है और एस कंपेयर टू सरफेस उसका टेम्परेचर भी कम होता है। यानी कि डीप सी हमारे पास न्यूट्रिएंट रिच है और कूल है। ये तो हमारे पास बेसिक हो गए जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम आ जाते हैं मरीन इकोसिस्टम के जोनेशंस की तरफ जिस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो लेट सपोज हमारे पास ये ओशन का फ्लोर है। इस ओशन के फ्लोर को हम डिवाइड करते हैं कुछ रीजन्स में। हमने वर्टिकली इसको डिवाइड करना है दो पार्ट्स में। एक रीजन हमारे पास फ्रॉम द सरफेस टू अ डेप्थ ऑफ अप्रॉक्स 200 मीटर है जहां तक लाइट पेनिट्रेट कर रही होती है। इस जोन को हम नाम देते हैं यूफोटिक। और उसके नीचे जो है हमारे पास 200 से बिलो जो है रीजन, हमारे पास उस रीजन में चूंकि लाइट पेनिट्रेट नहीं कर रही होती इसलिए इसको नाम दिया जाता है एफोटिक। ये तो हमारे पास वर्टिकल डिवीजन हो गई दो पार्ट में, एक है यूफोटिक और दूसरा है हमारे पास एफोटिक। यूफोटिक को हम फर्दर डिवाइड करेंगे लेकिन उससे पहले हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिवीजन भी देख लिया जाए। हॉरिजॉन्टली हम इसको डिवाइड कर रहे होते हैं दो रीजन में, एक हमारे पास नैरेटिक है जो कि हमारे पास कोस्टल सरफेस के करीब है और इसकी डेप्थ होती है अप टू 180 मीटर और दूसरा हमारे पास ओपन सी है। इस रीजन को हम नाम देते हैं ओशनिक। आपके बुक में ओशनिक को ही दो पार्ट में डिवाइड किया गया है यूफोटिक और एफोटिक में। तो हमारे पास यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर लिया इसको नैरेटिक में ओशनिक में और फिर ओशनिक को वर्टिकली डिवाइड कर लिया दो पार्ट में यूफोटिक में और एफोटिक में। ये जो एफोटिक है इस एफोटिक रीजन को फर्दर हम डिवाइड करते हैं दो रीजन्स में फ्रॉम द डेप्थ ऑफ 200
200 मीटर अप टू 2000 मीटर, ये जो हमारे पास डेप्थ है 200 से लेके 2000 मीटर तक, ये हमारे पास कहला रहा होता है बैथियल। और उसके नीचे जो हमारे पास बिलो 2000 है उसको हम नाम देते हैं एबाइसल, आपके बुक में बैथियल को फर्दर डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, एक है पेलेजिक और दूसरा है बैंथिक। बेसिकली बैंथिक जो है वो हमारे पास ओशन का फ्लोर कहला रहा होता है, और पेलेजिक हमारे पास जो ओपन सी है उसको हम इस कह रहे होते हैं, लेकिन आपके बुक में बैथियल को ही डिवाइड किया गया है पेलेजिक में और बैंथिक में, तो आप इसको याद रखिएगा। अब आ जाते हैं हम नैरेटिक की तरफ। नैरेटिक के हवाले से कुछ पॉइंट्स, चूँकि इसकी डेप्थ 180 मीटर तक है तो ये हमारे पास मोस्ट प्रोडक्टिव जोन है, ये डिवाइड होता है हमारे पास तीन रीजन्स में। सबसे पहले हमारे पास जो रीजन है उसको हम नाम देते हैं सबटाइडल, तो ये जो रीजन है हमारे पास ये है सबटाइडल। उसके बाद हमारे पास जो रीजन है वो है इंटरटाइडल, और लास्ट जो रीजन है उसको हम नाम देते हैं हाई टाइडल। यहाँ पे हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट है वो हमारे पास इंटरटाइडल है, क्योंकि इंटरटाइडल में जब हमारे पास हाई टाइड्स होंगे तो पानी से ये कवर्ड होगा, और जब सब टाइड्स होंगे तो हमारे पास ये पानी से कवर नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्लांट जो हैं उनके डेसिकेट होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ के प्लांट की एक खासियत होती है कि ये एक जेली लाइक सब्सटेंस रखते हैं इंटरटाइडल के रीजन वाले प्लांट्स, उस सब्सटेंस को जेली लाइक सब्सटेंस को हम नाम देते हैं एगार, जो कि इसको डेसिकेट होने से बचाता है, यानी कि जब हाई टाइड्स होते हैं तो ये पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख लेता है और इसको यूज करता है जब हमारे पास सब टाइड्स होते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स और भी हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जो यूफोटिक है इसमें लाइट पेनिट्रेट कर रही है, तो यहाँ पे हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन्स आपको मिलेंगे, और एफोटिक जोन में चूंकि लाइट पेनिट्रेट नहीं कर रहे तो यहाँ पे हमारे पास प्लांट लाइफ आपको नहीं मिलता। यहाँ पे यूजली हमारे पास वो एनिमल्स होते हैं जो कि फिल्टर फीडर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, या फिर स्केवेंजर्स होते हैं। एक पॉइंट और आपके बुक में लिखा हुआ है कि हमारे पास मरीन इकोसिस्टम में तमाम के तमाम फाइला, एनिमल फाइला मौजूद होते हैं एक्सेप्ट एम्फीबियंस, सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स, इंसेक्ट्स एंड ऑनिकोफोरा। तुम्हारे पास आपको ये एक्सेप्शन याद रखनी है, एक्सेप्शन मैं दोबारा से वो कर देता हूँ। हमारे पास एम्फीबियंस, सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स, इंसेक्ट्स और ऑनिकोफोरा के अलावा तमाम के तमाम एनिमल फाइला यहाँ पर मौजूद होते हैं मरीन इकोसिस्टम में। ऑनिकोफोरा जो है बेसिकली हमारे पास कनेक्ट कर रहा होता है फाइलम आर्थ्रोपोड्स को फाइलम एनिलेट्स के साथ। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स हैं जिस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके पास पेपर में। एक जो मैंने नैरेटिक के हवाले से बताया है कि मोस्ट प्रोडक्टिव जोन ऑफ द सी इज नैरेटिक, ये भी हमारे पास क्वेश्चन है। दूसरा हमारे पास इस डायग्राम पे भी क्वेश्चंस हैं कि हमारे पास कौन सा रीजन है जिसको हम यूफोटिक या एफोटिक, इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। और ये भी आ सकता है कि हमारे पास कौन कौन से एनिमल फाइला के अलावा हमारे पास मौजूद होते हैं, तो आपको याद रखना है इसमें सेंटीपीड, मिलीपीड, एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स एंड ऑनिकोफोरा के अलावा तमाम के तमाम एनिमल फाइला इसमें मौजूद होते हैं। उम्मीद है कि आपको मरीन इकोसिस्टम के हवाले से जो बेसिक्स मैंने एमकेट के हवाले से बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।